आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह किस तरीके से हमारे ऊपर असर डालता है, लग्न के अनुसार पंडित जी से समझ रहे हैं। पंडित जी, वृष कन्या और मकर लग्न के लोगों के लिए मंगल का कैसा प्रभाव होता है? अब अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है, कन्या लग्न है या मकर लग्न है, यानी पृथ्वी तत्व का लग्न है, तो मंगल के भारी होने का क्या प्रभाव है? देखिए, वृष कन्या और मकर, अगर इनमें से कोई लग्न है आपका, तो इसका मतलब आपका लग्न पृथ्वी तत्व का लग्न है। ये लग्न मंगल के बहुत करीबी समझे जाते हैं, मंगल से इनकी घनिष्ठता ज्यादा होती है। अगर आपका वृष कन्या या मकर लग्न है और मंगल भारी है, तो आपके परिवार पर और आपके रिश्तों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपके परिवार और रिश्तों पर इसके प्रभाव खराब होंगे, आपका वैवाहिक जीवन भी खराब होगा, आपकी वाणी भी खराब होगी, और उस मामले में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी वृष कन्या और मकर लग्न में मंगल का खराब होना पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए बुरा होता है। ऐसी दशा में सलाह लेकर के एक ओपल पहनना चाहिए, चांदी की अंगूठी में बनवाकर एक ओपल पहनना चाहिए। और महीने में दो एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखना चाहिए। और जीवन में सामान्यतः अधिक से अधिक सफेद या क्रीम रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें और आपका मंगल भारी हो, तो भारी मंगल के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके मंदिर में जाकर के अंदर मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हनुमान जी से थोड़ा दूरी बनाकर महिलाएं रहें, ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए महिलाओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी ईश्वर की अलग अलग चेतनाओं के स्वरूप हैं, हनुमान जी भक्ति के स्वरूप हैं। कोई भी महिला उनको अपना पिता मानकर, अपना भाई मानकर, अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा जरूर कर सकती है और उनके चरणों को स्पर्श भी कर सकती है, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई लिंग भेद नहीं होता। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, क्योंकि महिलाएं देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं या अपने पतिदेव से सिंदूर ले सकती हैं, दे सकती हैं, अन्य किसी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।